राजूपंदनम ग्रामोपंदनम गांगोपंदनम कालूपंदनम चोरूपंदनम व्याघ्रोपंदनम सदुष्टग्रंथल सजन बंदी वसिका तू फट स्वाहा ओम कोरोनाय 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 स्वाहा स्वाहा ओम श्री भैरवाय स्वाहा ओम श्री भैरवाय स्वाहा ओम श्री भैरवाय मऊरोड़ शमशान पे यह आज बंगला मुखी का हवन किया गया है। आज जयंती है बंगला माँ बंगला मुखी की। उसी को कोरोना की रोकथाम के लिए और ये जो देश में जो महामारी चल रही है उसकी रोकथाम के लिए और हमारे शमशान में भी कम से कम बॉडियाँ आए यहाँ पे और ये महामारी रुके, इसी वजह से यह हमने बंगला मुखी हवन किया गया है और देश में सब शांति हो जाए, माँ से यही निवेदन है। इस हवन का आज का उद्देश्य ये है कि आज बगलामुखी माँ जयंती है तो बगलामुखी का महाशमशान हवन किया हमने माँ कालिका जी का। क्या कुछ उद्देश्य है? इस उद्देश्य का है कि हमारा जो उद्देश्य है कि जो आज कोरोना महामारी चल रही है उसकी समाप्ति के लिए हमने 31 दिन लगातार हवन किया, उसका आज महासमापन किया हमने। वो देश से कोरोना चला जाए और जो आज भक्तन की बावड़ी में जो कोविड डेड बॉडी आ रही है उसमें कम से कम हो, इसलिए ये हवन किया हमने। हवन जो है किस तरह का हवन है? प्राचीन समय में भी कहीं प्रलय के लिए रोकने के लिए किस तरीके से किया जाता था? पहले हमारे ऋषि मुनि संत भी हवन करते थे। इस हवन का एक ही उद्देश्य है कि बस कोरोना महामारी खत्म।